आपदा अग्निकांड पर सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की। नीतीश कुमार ने मामले में जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के निर्देश दिए हैं। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को घटनास्थल पर भेजा भी गया है। तो लगातार यहां पर बिहार सरकार एक्शन में आई है और नवादा में जो अग्निकांड हुआ उसके बाद लगातार सरकार को घेरने का प्रयास भी किया गया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्टिव मोड में इस वक्त आ रहे हैं, जहां पर समीक्षा बैठक उनकी ओर से की गई। नीतीश कुमार ने इस मामले में जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी की है। निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को मौके पर तुरंत घटनास्थल पर भेज भी दिया है, ताकि वहां पर उनकी ओर से देखा जाए कि आखिर कौन कौन से वो दोषी हैं और कैसे ये प्रयास यहाँ पर किया गया और अग्निकांड के जो दोषी हैं उनको तुरंत कार्रवाई करते हुए सजा दिलाई जा सके। नवादा में अंजाम दी गई इस जघन्य वारदात की कहानी को अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि कब, क्या, कैसे और क्यों हुआ। दरअसल जिस जमीन पर बस्ती को आग के हवाले किया गया वो जमीन बिहार सरकार की है। ये बस्ती देदौर पंचायत के कृष्णा नगर में मौजूद है। इस जमीन पर बीते कई सालों से कई दलित परिवार रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि जमीन पर कब्जे को लेकर पड़ोस के गांव से विवाद चल रहा था। 18 सितंबर की रात अचानक कई लोगों ने गांव पर अचानक से धावा बोल दिया और बताया गया कि रात के अंधेरे में सबसे पहले हवाई फायरिंग से लोगों को धमकाया गया। उसके बाद आरोपियों ने एक एक करके कई घरों को आग के हवाले कर दिया और इसी के बाद ये अग्निकांड लगातार चर्चा में आ गया और अब यही मांग की जा रही है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और नवादा कांड में जो मुख्य आरोपी हैं, उसका नाम है नंदू पासवान। नंदू पासवान एक रिटायर्ड पुलिस कर्मी है जो 2014 में पुलिस विभाग से रिटायर हुआ है। नंदू पासवान के बेटे का नाम है नागेश्वर पासवान, जो कृष्णा नगर के वार्ड 16 के वार्ड सदस्य हैं और बहू सरिता भारती आंगनवाड़ी सेविका है। जिस जगह पर आगजनी की घटना हुई वहां की जमीन में 4 डेसिमल जमीन पर नंदू पासवान का दावा वो लगातार अपना कर रहा था और यहां पर फिलहाल गिरफ्तारी नंदू पासवान की हो चुकी है।